देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में भाजपा प्रमुख अमित शाह की रैली के बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। कार्यकर्ताओं के बस पर हमले के बाद फूके बाइक। बीजेपी ने राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को ठहराया दोषी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मंगलवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे। जैसे ही रैली खत्म हुई, कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में लाने वाली एक बस पर हमला हो गया और बाइक फूंक डाली। दरअसल मामला ये था कि रैली के लिए कार्यकर्ताओं को लाने वाली बस जनसभा स्थल के पास खड़ी थी। जैसे ही रैली खत्म हुई, कुछ लोगों ने बस पर हमले कर दिए और तोड़फोड़ कर बाइक में आग लगा दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा, टीएमसी हमारी बढ़ती ताकत से डर रही है, इसलिए हिंसा पर उतर आई। यहां तक हमलावरों ने महिला कार्यकर्ताओं तक को नहीं छोड़ा। इस घटना का आरोप बीजेपी ने सीधे सीधे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर लगाया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी को चेतावनी दी। पार्टी कार्यकर्ताओं पर इस तरह का हमला उन्हें महंगा पड़ेगा। होने का सबसे बड़ा कारण है और डर से उन लोगों ने तोड़फोड़ का काम शुरू किया। कम से कम 300 बसेस को इन्होंने तोड़फोड़ किया, बहुत सारे छोटा गाड़ी को तोड़फोड़ किया, एक मकान जला दिया। यही पर जो बाइक है, 4-5 बाइक को अभी तक जलाया। लेकिन दुखद बात है, सारे घटना पुलिस का सामने हुआ। जब अमित शाह जी हम लोग मंच पे थे, उसी समय इन लोगों ने मौका देख के महिला कार्यकर्ता तक भी नहीं छोड़ा। दो महिला कार्यकर्ता को तो तालाब में जबरदस्ती धकेल दिया। तो ऐसा हिंसक तृणमूल कांग्रेस का रूप इसीलिए बन गया, जो समझ गया उनको, जो विनाश का आखिरी चरण पर खड़ा। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।